अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास वो डिवाइसेस आ जाते हैं जो कंप्यूटर में डाटा को इंटर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं और कंप्यूटर से वापस डाटा को गेन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेस। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट, यानी कि जो चीज़ या डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को हम देते हैं वो इनपुट कहलाती है। ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू इंटर डाटा इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस, यानी कि वो हार्डवेयर कंपोनेंट जो कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शंस को इंटर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं या कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शन देने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो वाली डिवाइसेस आउट इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है जिनमें हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को इंटर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह आगे हमारे पास कीबोर्ड, कीबोर्ड के थ्रू हम डाटा को कंप्यूटर में इंटर करते हैं। कोई भी चीज़ टाइप करके कंप्यूटर को देनी हो तो कीबोर्ड के ज़रिए इंटर करते हैं। तो इसलिए कीबोर्ड भी एक फेमस इनपुट डिवाइस है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में हम कोई भी वॉइस को कंप्यूटर में इंटर करते हैं, तो लिहाजा माउस माइक्रोफोन भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है। इसके बाद स्कैनर, स्कैनर के थ्रू हम कोई भी डॉक्यूमेंट कंप्यूटर को देते हैं स्कैन करके, तो स्कैनर भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा